गुड मॉर्निंग। 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं हम द लिविंग वर्ल्ड, और काफी सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आज बच्चों मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल बताऊंगा। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स की, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी का साइंटिफिक नेम होता है, तो हम यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड जो एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है, कंपटीशन से रिलेटेड भी है, तो उन साइंटिफिक नेम को हम कर लेते हैं। आप ध्यान से देखना इसको, जैसे नोट्स में भी मैंने दिए हैं आपको, ठीक है। तो साइंटिफिक साइंटिफिक नेम of some organism, अच्छा ये जो साइंटिफिक नेम है हम बाइनोमियल नेम्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉग। बच्चों जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, क्योंकि हम इसको हाथ से लिख रहे हैं एंड रिटन है तो अंडरलाइन जरूर करेंगे हम, राना टिग्रीना, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम एलिफेंट। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम एलिफास इंडिकस, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। फोर्थ काउ का होता है बॉस इंडिकस, फिफ्थ हम लेते हैं कैट का साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है। कैनिस फैमिलियरिस। सिक्स हम लेते हैं बच्चों एक और ले लेते हैं हम हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका
यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ये बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम्स हैं कुछ एनिमल ग्रुप्स के, कुछ ऑर्गेनिजम्स के। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? राना टिग्रिना। सेकंड है एलिफेंट। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है एलिफास इंडिकस। एलिफास इंडिकस। थर्ड कॉकरोच। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। काऊ का आप बच्चों 3 से 4 टाइम अगर इसको रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। काऊ का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। कैट का साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस। मंकी का साइंटिफिक नेम है मकाका मुलेटा। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। कुछ और है, काफी सारे हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कोबरा। जो कोबरा जो सांप है उसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। नाजा नाजा। ठीक है। नाइन्थ लेते हैं हुमन। हुमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन। होमो सेपियन। टेंथ लेते हैं टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस। पेंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। लायन का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो। पेंथेरा लियो। तो ये है बच्चों, ठीक है। कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। हुमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस। और लायन का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो। ठीक है बच्चों, एनिमल्स में बहुत सारे हैं, अभी एक बार इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम प्लांट्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपने 10th में पी का पढ़ा होगा। पी का साइंटिफिक नेम आपको ध्यान है। अपन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। अपन कुछ और लेते हैं जैसे कि राइस। राइस का साइंटिफिक नेम है बच्चों ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। ठीक है। 13 हम लेते हैं वीट चावल, सॉरी वीट गेहूं। वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों, आपको राइस बता दिया, हाँ चना। जो ग्राम है, चना है, ग्राम का है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। नेक्स्ट लेते हैं बनियन का। हाँ फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। मूंगफली का ग्राउंड नट का है बच्चों ग्राउंड नट।
अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, तुलसी का भी साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम। इसके अलावा बच्चों आलू जो पोटेटो है उसका भी साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको थोड़ी हंसी भी आ रही होगी कि इतने सारे साइंटिफिक नेम, तो ये तो है बच्चों, सभी ऑर्गेनिज्म का एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम है और होता भी है। आपको डे बाय डे पढ़ना है उनको और धीरे धीरे वो आपकी डिक्शनरी में ऐड होता चला जाएगा। राइस का रिपीट करते हैं साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा, वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ग्राम का साइंटिफिक नेम है साइसर एरिटिनम, बनियन का साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, ग्राउंड नट का साइंटिफिक नेम है अरेकिस हाइपोजिया, तुलसी का साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम, पोटेटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 19 जो ब्रिंजल, जो ब्रिंजल होता है बच्चों उसका भी साइंटिफिक नेम, जीनस इसका सोलेनम ही है, सोलेनम मेलोनजीना, सोलेनम मेलोनजीना। ठीक है बच्चों, ये साइंटिफिक नेम है ब्रिंजल का। तो बच्चों ये कुछ एक एग्जांपल अपन ने अभी डिस्कस कर लिए, बाकी मैंने नोट्स में और भी कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, तो जस्ट आप उनको रीडिंग करो तो धीरे धीरे वो आपको रिटेन होते चले जाएंगे ब्रेन के अंदर आपके और आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इस टॉपिक को मैं इतना ही कराऊंगा, आगे लेते हैं अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या है कि एनी ग्रुप और एनी रैंक, है ना, क्लासिफिकेशन का एनी ग्रुप और एनी रैंक जिसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। जैसे कि फाइलम एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है। ठीक है, तो एनी ग्रुप और एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इसमें बच्चों कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर किंगडम आता है, सबसे लोएस्ट लेवल पर स्पीसीज आता है। सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटीज हैं वो स्पीसीज लेवल में मिलती है, यानी कि एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के एग्जाम्पल हैं। बच्चों अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम किसी एनिमल स्पीसीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो फाइलम जो है वो हम काउंट करेंगे, किंगडम के बाद में फाइलम को काउंट करेंगे, और अगर हम प्लांट स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो फाइलम की जगह हम डिवीजन काम में लेंगे। क्या लेंगे? डिवीजन काम में लेंगे। अब बात करते हैं कि स्पीसीज क्या है। सबसे लोएस्ट लेवल पर स्पीसीज है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट जो सिमिलैरिटीज पाई जाती है वो स्पीसीज लेवल पर पाई जाती है। तो एक ही जैसे कैरेक्टर वाले सिमिलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जो इनब्रीडिंग कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसे हम एक स्पीसीज काउंट करते हैं। तो बच्चों जो स्पीसीज है उसमें एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म या एक ही जैसे एनिमल्स काउंट होते हैं, इंक्लूड होते हैं,
एंड दे आर दे कैन इंटरब्रीड, वो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो उसे हम एक स्पीसीज कहते हैं। एक जैसी जो स्पीसीज होती है वो एक जीनस में इंक्लूड होती है, तो सिमिलर टाइप की जो स्पीसीज होती है बस लिटिल बिट उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जबकि वो एक ही जीनस में आते हैं। एक जैसे जो सिमिलर टाइप के जीनस है थोड़े डिफरेंसेस को छोड़ दें तो वो एक फैमिली में काउंट होते हैं। सिमिलर टाइप की जो फैमिलीज है वो एक ऑर्डर में काउंट होती है। सिमिलर जो ऑर्डर है वो क्लास में इंक्लूड होते हैं, और एक जैसे जो क्लासेज हैं वो एक फाइलम या एक डिवीजन में इंक्लूड होती है, और सिमिलर टाइप के जो फाइलम या डिवीजन है वो एक किंगडम में इंक्लूड होते हैं। तो किंगडम जो है सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर आता है, जैसे कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें फाइव किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो मान लो किंगडम एनिमेलिया है, तो किंगडम एनिमेलिया टॉप पर आ गया, फिर उसके नीचे उसकी सब क्लासिफिकेशन आ गया, उसके फाइलम आ गए, उसकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज आ गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका जो टाइप टॉपिक है वो है हायरार्कियल, हायरार्कियल ऑर्डर, हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्कियल ऑर्डर क्या है बच्चों? यही है, यही कैटेगरीज है। इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूं, किंगडम, सेकंड फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये बच्चों हायरार्कियल ऑर्डर है, ये क्या है? हायरार्कियल ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। 11th क्लास मैंने आपको नोट्स के अंदर एक टेबल दी है, उस टेबल के अंदर कुछ एक एग्जांपल है उनके डिफरेंट जो कैटेगरीज को बताते हुए उस टेबल में मैंने मेंशन किया है, वो टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगी, तो आप एक बार रीडिंग करना। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। तो नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड। बच्चों ध्यान से देखिए टैक्सोनॉमिकल एड क्या है बच्चों, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके नोमेनक्लेचर के लिए, उनके क्लासिफिकेशन की स्टडी के लिए वो टेक्निक्स या प्रोसीजर्स या वो डिवाइसेज हम जो यूज लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। जैसे कि हर्बेरियम, जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं हर्बेरियम, ठीक है, सेकंड है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, थर्ड हम लेते हैं हाँ म्यूजियम, फोर्थ हम लेते हैं जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है, फिफ्थ लेते हैं जूलॉजिकल पार्क, ठीक है,
फिफ्थ हम लेते हैं कि अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरिया की। बच्चों ध्यान से देखिए हर्बेरिया क्या है। बच्चों जो हर्बेरिया है वो एक एक लेबोरेटरी जैसा एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर हम प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं? प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं। तो हर्बेरिया बनाने के लिए हम हर्बेरियम सीड्स काम में लेते हैं। हर्बेरियम सीड्स काम में लेते हैं। ये कार्डशीट होती है व्हाइट कलर की, मैंने भी खूब बनाई है ये सीड अपने ग्रेजुएशन के दौरान। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में पहले बता देता हूँ, फिर इसका कलेक्शन कैसे करते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, हर्बेरिया के अंदर हर्बेरियम सीड्स काम में लेते हैं, उनको स्टोर करते हैं। इनमें क्या, ये जो हर्बेरियम सीड होती है ये कार्डशीट होती है पेपर की बनी हुई, और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो आपके 29 सेंटीमीटर होती है, और जो लेंथ है वो 41.5 सेंटीमीटर होती है। और कोई भी जो छोटा हर्ब है जिसको हमने डिग आउट किया है तो उसको यहाँ पर स्टिक किया जाता है या स्यू किया जाता है या चिपकाया जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से चिपकाया जाता है कि उसके जो पार्ट्स हैं डॉर्सल और वेंट्रल वो नजर आए। इसके अलावा इसके राइट साइड के कॉर्नर के अंदर नीचे की ओर सारी डिटेल लिखी जाती है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है या नेम ऑफ कॉलेज क्या है जिसमें आप काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लांट का नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और कौन सी डेट को कलेक्शन किया है उस प्लांट का, कलेक्शन नंबर क्या, ये सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। अब इसको बनाते कैसे मैं ब्रीफ में जल्दी से बताऊंगा, टाइम कम बच रहा है बच्चों, 7 मिनट्स रिमेनिंग है, ध्यान से बने रहना क्लास के अंदर। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि एक बच्चों वैस्कुलम, एक छोटा बॉक्स होता है वैस्कुलम, कैंची और जो क्या कहते हैं डिगिंग करने के लिए जो चाहिए अपन को, वो सारा सामान लेके हम एक खुले मैदान में या कहीं भी जाते हैं तो वहां हम पहले प्लांट स्पीसीज को देखते हैं और एक छोटे प्लांट को हम वहां पर डिग आउट करके उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको साफ करके जो बॉक्स है वैस्कुलम है उसके अंदर डाल लिया जाता है, और फिर उसको हम लेबोरेटरी में ले आते हैं, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर या जो भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं वहां ले आते हैं। उसके लाने के बाद में हम क्या करते हैं, उन प्लांट स्पीसीज को पेपर के अंदर जो है फोल्ड करके रख देते हैं, और रेगुलर इंटरवल पर जो न्यूज़पेपर्स हैं जिनमें हमने पुराने न्यूज़पेपर के अंदर प्लांट स्पीसीज को स्टोर किया है उसको रेगुलर इंटरवल से हम चेंज करते रहेंगे जिससे वहां पर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद में एक प्लांट प्रेस आती है जिसमें दो स्ट्रैप होते हैं, उनके बीच में विद न्यूज़पेपर प्लांट को रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने पर क्या होता है कि वो फ्लैट हो जाता है, एकदम ही चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसके अलावा जो लंबे प्लांट अगर आप लेते हैं तो उनको काटना नहीं है, उनको या तो एन शेप में, लंबे प्लांट को एन शेप में और डब्ल्यू शेप में, एन और डब्ल्यू शेप में उसको अपन फोल्ड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, एक कार्डशीट के ऊपर, हर्बेरियम शीट के ऊपर उसको स्टिक कर देते हैं। स्टिक इस तरीके से करेंगे कि कुछ जो लीव्स है प्लांट की उसका डॉर्सल पार्ट नजर आए और कुछ लीव्स का जो वेंट्रल पार्ट है वो हमें नजर आए। इसको हम चिपका सकते हैं एडहेसिव के द्वारा या सिलाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऐसी हर्बेरियम सीड भी बनाई है जहां पर कुछ प्लांट के सीड्स हैं या फ्लावर के पार्ट हैं, उन सबको अपन फ्रेगमेंट्स के अंदर डाल के चिपका सकते हैं। तो ऐसे भी बनाए कि डिफरेंट टाइप के जो सीरिल है उनके दानों को इकट्ठा करके वो भी हर्बेरियम सीट बनाई है, तो उसमें हम छोटे फ्रेगमेंट्स में या एनवेलप्स में डाल के
हम लगा देते हैं, उसके नीचे उसकी डिटेल लिख देते हैं, तो उन्हें हम फ्रेगमेंट एनवेलप्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों, हर्बेरियम सीट बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम प्लांट लेके आ रहे हैं गार्डन से या फील्ड से, उनमें वेजिटेटिव पार्ट भी हो और फ्लावर पार्ट भी हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई प्लांट की बात। मैंने इससे पहले बताया कि जो हर्बेरियम सीट आती है उसके ऊपर आप कई सारे प्लांट के सीड इकट्ठा करके उनको भी एनवेलप में चिपका सकते हो, तो उन्हें हम फ्रेगमेंट एनवेलप कहते हैं। तो ये भी एक हर्बेरियम सीट का ही पार्ट है। अब इन हर्बेरियम सीट्स को हम जो लेबोरेटरी के अंदर एलमीरा है, जो कैबिनेट्स है, उनके अंदर लगा देते हैं सिक्वेंस से। एक हर्बेरियम रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, जहां पर कैबिनेट नंबर और जो एलमीरा नंबर लगा के उसमें प्लांट की डिटेल होती है, प्लांट का स्पेसिमेन कौन सा है, वो सारी डिटेल उस रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन हर्बेरियम सीड्स को यूज किया जा सकता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हर्बेरियम सीड्स को ऑब्जर्व करके वहां नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो लोकलाइज आसपास के प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में। तो ये एक अच्छा टैक्सोनॉमिकल ऐड है प्लांट स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए काफी ये हेल्पफुल है, ठीक है बच्चों। तो 11th क्लास आज की क्लास में इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।